नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अब तक की कहानी में हमने विद्यार्थियों BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि वर्ष 2018-19 में आए थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम 17, 2016 और कुछ क्वेश्चन 2015 के भी हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको YouTube पर यह सारे लेक्चर्स जो कि BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं MGCI परिवार के द्वारा। तो आइए विद्यार्थियों, हम बिना विलंब के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में BHU के पूछे गए हैं उन पर हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कभी कभी वो जगह पूछता है। तो हमने कल के जो क्वेश्चन थे उसमें इसका प्लेस पूछा था, इस बार इसका स्थापना पूछ लिया। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज आई अगेन रिपीट, ओल्ड या प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं याद रखना, कभी कभी इस तरह से लिख देगा NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी इसकी स्थापना पूछ लेगा, कभी कहां स्थित है तो हम बता देंगे कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल हरियाणा में स्थित है। आप बता दोगे इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना 16 जुलाई 1965। जब अगर हम यहां से एक और डाटा याद रख सकते हैं, ICR का फाउंडेशन डे भी 16 जुलाई को ही आता है, याद रखना, ठीक है। ICR का स्थापना दिवस भी 16 जुलाई को आता है और ICR का स्थापना अगर सन पूछेगा तो 1929। तो यहां से दो प्रश्न हमारे कवर हो रहे हैं। एक तो दो क्यों, चार प्रश्न हो गए भैया, इसी स्लाइड पे हमारे चार प्रश्न कवर हो गए। पहला तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो हम बता देंगे 16 जुलाई 1965 को। कहां स्थित है, तो करनाल हरियाणा बता ही दोगे, ठीक है। और सॉरी, इसका NDDRI का करनाल हरियाणा, इसका आनंद गुजरात, ठीक है। तो इसका आनंद गुजरात हम बता ही देंगे भैया। और ICR की जो स्थापना होती है वो कब हुई थी, 16 जुलाई 1929। तो इस तरह से एक ही प्रश्न में हमारे कितने प्रश्न कवर हो रहे भैया, चार, याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इस तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा तो हमें इसका उत्तर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, गाय के शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है। यहां से हम तकरीबन लगभग सभी पशुओं का टेम्परेचर देख लेंगे, सभी पशुओं का जो तापक्रम है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काउ बॉडी, गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं उन ऑप्शन से बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। गाय के शरीर का जो तापक्रम होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 102.5 डिग्री जो हमें दिख रहा है ये भैया बकरी का, ये किसका टेम्परेचर है, बकरी का, ठीक है। ये बकरी का हो गया, ये काऊ का हो गया टेम्परेचर, काऊ अर्थात गाय के शरीर का तापक्रम, ये गोट का, बकरी के शरीर का तापक्रम। अब हम भेड़ की बात करें, ठीक है, तो भेड़ के जो शरीर का तापक्रम होता है, ठीक है, याद रखना भेड़ के शरीर का तापक्रम होता है 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसका हो गया, भेड़ का हो गया। और भैंस का पूछे तो हम बता देंगे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ के बात को, इनको एक सीक्वेंस में जमा लेते ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। चलिए जमाते भैया, गाय का, फिर गाय के बाद थोड़ा सा ज्यादा किसका होता है, भेड़ का होता है ना, ये लिख दिया भेड़ का, फिर इससे ज्यादा किसका होता है, बकरी का, तो ये लिख दिया बकरी का, और इससे ज्यादा किसका होता है, भैंस का। तो अब ये सीक्वेंस जम गया, आपको कभी नहीं भूलना है। चलो कैसे नहीं भूलेंगे, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट भेड़ का अभी हमने देखा,
102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, बकरी का अगर हम देखेंगे तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब हम बात करेंगे बफेलो की भैंस की तो इसका होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें पॉइंट नहीं है ना, ध्यान रखना। तो अब इसको याद रखना, ठीक है भैया? कैसे याद रखेंगे सर? देखिए 101, 102, 103, 102 कितने बार? दो बार। कैसे याद रखना है? 102 दो बार होगा, ठीक। फिर 0.5 टू और 0.5। अब यहां से इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि दो में से तीन, सॉरी 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, समझ गए ना? तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सभी का हो गया, लेकिन इधर का क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? काउ, सीप, गोट एंड बफेलो, CSGB, गीगाबाइट, CS नाम बहुत चलता है CS का, तो CSGB मतलब काउ, सीप, गोट एंड बफेलो, CSGB। तो काउ का हो जाएगा भेड़ का, सीप का, गोट मतलब बकरी का, और बफेलो का। तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस बनाकर याद करोगे तो आई होप आपको सारे टेम्परेचर याद हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो हमें पता है चिकन का होता है, मुर्गी का होता है, और वो कितना होता है बच्चों? तो होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 आ जाएगा, समझ गए ना? कैसी ट्रिक बन गए, बहुत मजेदार ट्रिक बन गए। बस आपको इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है? पोलेट्रिया चिकन या मुर्गी, ठीक है, CSGBP। इस तरह से आप सभी को एक बार जमा लेंगे और एक बार लिख के देख लोगे तो कभी भी भूलने वाला काम नहीं होगा। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण टेम्परेचर सभी काम इस तरह से यहां पर बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है, ठीक है भैया? प्रश्न पूछ रहा है कि जो इस्ट्रोजन हार्मोन है यह किससे संबंधित है। तो ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता होगा कि जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह प्रजनन से संबंधित होता है, ब्रीडिंग से संबंधित होता है, पर मैं आपको यहाँ पर सारे हार्मोन के बारे में बताऊंगा। चलिए, इस्ट्रोजन तो हमें पता है कि यह रिप्रोडक्शन या प्रजनन से संबंधित होता है, समझ गए भैया? लेकिन प्रश्न पूछे कि रासायनिक रूप से इस्ट्रोजन क्या होते हैं, तो हमें बता देना है केमिकली इस्ट्रोजन इज स्टेरॉइड। रासायनिक रूप से जो इस्ट्रोजन होता है वो स्टेरॉइड होते हैं, याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रासायनिक रूप से इस्ट्रोजन क्या होते हैं, तो हमें बता देना है केमिकली इस्ट्रोजन आर स्टेराइड, ठीक। फिर ये तो हो गया प्रेगनेंसी के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। अगर पूछे दूध उतारने के लिए, लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए, दूध उतारने के लिए या लेट डाउन ऑफ मिल्क, तो आप सभी को बता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप बोलेंगे सर इसके लिए तो ऑक्सी टोसिन रिस्पॉन्सिबल, समझ गए भैया? फिर पूछे कि दूध बनाने वाला कौन है, उतारने वाला समझ में आ गया, दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसके लिए मायोथिलियम, ठीक है, या एल्वोलस कोष में, या दुग्ध चरण कोष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसके लिए पाया जाता है भैया प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए हम बता देंगे प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन व इस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए? फिर दूध बनाने के लिए हो गया, मतलब दूध बनाने के लिए कौन से किनके बनाने के लिए? दूध बनाने में मायो एपिथेलियम और एल्वोलस कोष को, लेकिन वास्तव में लैक्टोजेनेसिस कौन करता है? लैक्टोजेनेसिस या दूध बनाने वाला हार्मोन पूछे, दूध बनाने वाला हार्मोन। सर दोनों हार्मोन लिख तो दिए दूध बनाने वाले, नहीं भैया ये दूध बनाने के लिए सहायता करते हैं, किसमें? मायो एपिथेलियम और एल्वोलस कोषों को बनाते हैं। तो दूध बनाना एक्चुअल में अगर बात आ जाए लैक्टोजेनेसिस, तो वो वास्तव में कौन करता है? तो वो करता है प्रोलेक्टिन, याद रखना प्रोलेक्टिन,
तीन, वास्तव में दूध बनाने का काम कौन करता है? तो वास्तव में जो मिल्क सेक्रेशन करता है, लैक्टोजेनेसिस करता है, वो प्रोलेक्टिन है। लेकिन दूध बनाने वाले जो कारक है, जो ऑर्गन है, मायोपिथेलियम और एल्वियोलस कोष, इनका निर्माण कौन करता है? तो इनका निर्माण प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन करते हैं भैया। फिर दूध को रोकने वाला हार्मोन कौन सा? होल्डिंग ऑफ मिल्क अगर पूछ ले, एगालेक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो दूध रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दूध को रोकने वाला हमें पता है, जो कि पिट्यूटरी पश्च ग्रंथियों से निकलता है, जिसका नाम है एड्रिनल, इफिनेफ्रिन नार एड्रिनल। तो ये दूध रोकने वाला हो गया, दूध उतारने वाला ऑक्सीटोसिन, रोकने वाला एड्रिनल। फिर दुग्ध क्षरण कोषों को या मायोपिथेलियम को बनाता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और दूध बनाने वाला हार्मोन पूछ ले, लैक्टोजेनेसिस या दूध बनाने वाला हार्मोन आपसे पूछ ले, तो प्रोलेक्टिन। लेकिन जिस जगह पर दूध बनता है उनको कौन बनाता है? तो उनको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कहां दूध बनता है, कहां दूध का चरण होता है? तो एल्वियोलस कोषों में। किनकी सहायता से? मायोपिथेलियम सेल्स से। समझ गए भैया, इतनी बातें महत्वपूर्ण है। फिर प्रजनन वाला एस्ट्रोजन लिख लिया, मादा लिंगी हार्मोन है तो भी कौन है? एस्ट्रोजन। यहाँ पर एक अगर आपसे पूछ ले नर लिंगी हार्मोन, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके बहुत बार, टेस्टोस्टेरोन होता है। नर लिंगी हार्मोन कौन सा होता है? तो हम बता देंगे टेस्टोस्टेरोन होता है नर लिंगी हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल पूछे तो एस्ट्रोजन। बात समझ में आ गई। फिर पूछे गर्भावस्था के लिए, तो गर्भावस्था धारण करने के लिए कौन सा होगा भैया? तो गर्भावस्था को बनाने के लिए होता है प्रोजेस्टेरोन। कहां से निकलता है? तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ऐसा हमने पढ़ा भी था डिटेल में। तो लगभग सारे जो हार्मोन के बनने वाले प्रश्न है वो इस स्लाइड पर है भैया। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। एस्ट्रोजन रिप्रोडक्शन या मादा लिंगी हार्मोन है, ठीक। दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन आपको पता है। मायोपिथेलियम और एल्वियोलस कोषों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लिए। लैक्टोजेनेसिस या दूध बनाने के लिए पूछ रहे स्पेशल, तो प्रोलेक्टिन है। रोकने के लिए पूछ ले तो एड्रिनल है। और जो नर लिंगी हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। गर्भावस्था को कौन बना के रखता? प्रोजेस्टेरोन। और स्ट्रेस साइकिल को कौन? एस्ट्रोजन। अगर आपसे पूछ ले स्ट्रेस साइकिल को भी, तो आप बता देना भैया मध चक्र को चलाने वाला, स्ट्रेस साइकिल को चलाने वाला हार्मोन कौन है? वो भी एस्ट्रोजन है। तो सारे हार्मोन के जितने भी प्रश्न है आई थिंक मैंने यहां पर आपसे चर्चा कर ली। और जो दूध में भिन्न भिन्न प्रकार की नलियां निकलती, उन नलियों को भी कौन बनाता? एस्ट्रोजन बनाता। समझ गए, इसके बहुत महत्वपूर्ण है फीमेल में एस्ट्रोजन का। और केमिकली यह स्टेराइड होता है बता देना। रासायनिक रूप से एस्ट्रोजन क्या होता है भैया? तो स्टेराइड होता है। इसे एक बार आप देख सकते भैया। इस तरह से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हार्मोन से संबंधित है, एनिमल हस्बेंड्री में, उन सब पर हमें चर्चा कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में प्रोटीन पाई जाती है तो गोलिकाओं के रूप में या ग्लोबुल्स के रूप में पाई जाती है। दूध में वसा पाई जाती है तो हमें बताना है पायस या इमल्सन के रूप में, ठीक है। दूध में वसा पाई जाती है पायस या इमल्सन के रूप में, तो यहाँ पर ग्लोबुल्स या गोलिकाएं इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू बीएचयू। और वसा किस रूप में पाई जाती है? तो दूध में जो वसा होती है वह पायस या इमल्सन, जिसे लिखा ही है, इस रूप में पाई जाती है। कौन भैया? वसा। तो कभी वसा पूछता है, कभी प्रोटीन पूछता है। समझ गए भैया। तो दूध में वसा पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है, इस तरह से हमें याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्सी गाय के दूध में वसा का परसेंट, इसके महत्वपूर्ण बात है। तीन से चार जर्सी गाय की हम बात करते हैं, जब इसका आंसर तो सी वाला आएगा भैया, है ना। क्या आएगा? सी वाला 5.5 होता है जर्सी गाय के दूध में वसा, और सबसे ज्यादा होती है वसा, है ना। सबसे ज्यादा वसा यही 5.5 जर्सी गाय के दूध में। अगर आपसे पूछ ले कि जर्सी गाय के दूध में प्रोटीन कितना होता है, और फिर आपसे पूछ ले कि लैक्टोज कितना होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन अगर पूछे तो 3.9% होता है, और लैक्टोज पूछे तो 4.9% होता है। समझ गए भैया, प्रोटीन, लैक्टोज और वसा। फैट, तो फैट 5, प्रोटीन 3 या 4, 3.9 और लैक्टोज या दुग्धम 4.9। अब इसको कैसे याद रखें सीक्वेंस में? चलो तो इसका ट्रिक बनाते हैं। ये प्रोटीन के लिए पी लिख दिया, ठीक है, उससे ज्यादा क्या होता है? लैक्टोज होता है, और उससे क्या? फैट हो गया। तो पी मतलब प्रोटीन कितना होगा? 3.9। फिर लैक्टोज कितना होगा भैया? 4.9। और फैट कितना होगा? 5.5।
तो इसको औसतन बोल सकते हैं चार, इसको औसतन बोल सकते हैं पांच, और ये तो पांच से ज्यादा ही है, तो चार पांच पांच 455, याद रखो एलपी 455, प्रोटीन लैक्टोज और फैट, समझ गए, प्रोटीन लैक्टोज और फैट 455 है, कौन जर्सी गाय, और इसका वजन जो होता है वो लगभग इतना ही होता है, समझ गए, इसका जो वेट होता है बॉडी वेट वह भी इसके ही आसपास होता है, और इसका जो सिर होता है ये डबल डिस्क में दिखाई देता है ना, ध्यान से देखते हैं तो जो जर्सी गाय होता है उसका सिर डबल डिस्क वाला होता है, और इसके दूध में टोटल सॉल्युबल सॉलिड, इसके दूध में कुल विलेयर फोर्स पूछे जाए, टोटल सॉलिड पूछे जाए, तो ये होते भैया 15%, याद रखना ये महत्वपूर्ण बात है, नई बात है, टीएसएस पूछा जाए इसके दूध का टोटल सॉल्युबल सॉलिड, तो जर्सी गाय के दूध में 15% होता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है जर्सी गाय की, आई होप आपको ये सारी नवीनतम जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर कभी कभी इसका उत्पत्ति स्थान पूछ लेता है तो बता देना इंग्लिश चैनल, ठीक है, जर्सी द्वीप या इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इसका ओरिजिन माना जाता है, इंग्लिश चैनल मतलब चैनल टीवी वाला चैनल ही भैया ना, ये जो समुद्र वाले चैनल होते हैं इनकी बात हो रही, ठीक है, तो ये इतने सारे प्रश्न है भैया, वसा भी हमने देखी, प्रोटीन भी देख लिया, लैक्टोज भी देख लिया, कुल विलेय फोर्स भी देख लिया, ओरिजिन उत्पत्ति स्थान भी देख लिया, किस गाय के बारे में, जर्सी गाय के बारे में, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो अब याद रखना 4 के पास 3.9, 5 के पास 4.9, और फैट मतलब 5.5, और याद रखने के 455, लैक्टोज प्रोटीन लैक्टोज और फैट, किस गाय के बारे में बात हुई, जर्सी गाय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बकरियां कहां पाई जाती है, हाईएस्ट जो गोड है वो कहां पर पाई जाती है, तो जो हाईएस्ट अगर पूछा जाए कि बकरियों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है, तो हमें बता देना है बकरियों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो चीन में, चाइना में, इसका राइट आंसर क्या है, चाइना, ठीक, बकरियों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है, चीन, याद रखना, और चीन के बाद किस देश में, तो अपना प्यारा भारत, आगे आगे चीन पीछे पीछे भारत, चाहे जनसंख्या हो चाहे बकरियां, याद रखना सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन, उसके पीछे भारत, तो सबसे ज्यादा बकरियां कहां, चीन में, उसके पीछे भारत, सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कहां, चीन में, तो नंबर दो पर भारत, सबसे ज्यादा सब्जियां कहां, चीन में, उसके पीछे भारत, तो कहां का भारत, चीन के पीछे, जनसंख्या में, फल सब्जियों में और बकरियों में, याद रहेगा बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, तीनों याद रखना है, तीनों की चार चीजें होगी, जनसंख्या में आगे चीन, उसके पीछे भारत, फलों में आगे चीन, उसके पीछे भारत, सब्जियों में आगे चीन, उसके पीछे भारत, बकरियों में आगे चीन, उसके पीछे भारत, तो याद रखना भैया चीन का फर्स्ट पोजीशन है, भारत का सेकंड पोजीशन है। अब प्रश्न आपसे पूछे कि इन इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां कहां है, तो जो 20वीं पशुगणना जो हुई, 20वीं नंबर की जो पशुगणना हुई 2019 में, उसके अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में, और भेड़ भी सबसे ज्यादा राजस्थान में, समझ गए भैया, चार पांच चीजें महत्वपूर्ण बता रहा हूं इस स्लाइड में, याद रखना। विश्व में सबसे अधिक गोट का रेयरिंग कहां किया जाता है, कहां पाई जाती है संख्या की दृष्टि से, तो चाइना, चाइना का फर्स्ट पोजीशन है, इंडिया का सेकंड पोजीशन, फिर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन भारत में पहला राज्य कौन सा है बकरियों में, तो 20वीं पशुगणना के हिसाब से 2019 का जो डाटा है वो कह रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां पाली जाती है, और भेड़ भी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाली जाती है, और यह प्रश्न कई बार बीच में आ चुके हैं, और मैं आप फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या किसी और इंस्टीट्यूशन से हो या उनके निदेशक से हो, आप बिल्कुल उसको बहुत बारीकी से पढ़िए, प्रश्न वहीं से बार बार पूछे जाएंगे जो कि यूपी से जुड़े हुए होंगे, ठीक है भाई, पर यहाँ पर ये यूपी का कोई जुड़ा हुआ नहीं है, है ना, क्योंकि जो मेन ब्रीड है जमुनापारी जिसकी हमने बात की थी, तो भेड़ बकरियां काफी उत्तर प्रदेश के आसपास से निकल कर आती है, इसलिए उन पर भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें देख ली स्लाइड के माध्यम से, अब हम आगे बात करेंगे प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए, मतलब अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है, उसके लिए कौन सा हार्मोन, सॉरी कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रजनन से रिलेटेड है विटामिन ई, जिसे टोकोफिरॉल भी कहते हैं, ए
रेटिनॉल है ना, ये रतौंधि रोग से संबंधित है। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एंटी रिकेटिक फैक्टर कहते हैं, एंटी रिकेटिक फैक्टर कहते हैं। कैल्सीफेराल भी कहते हैं इसी को, कैल्सीफेराल, ये इसको दो उपाधियां दी गई भैया, ठीक है, फाइलोक्विनोन और रेटिनॉल। और इस तरह से विटामिन ई को हमें याद रखना है, टोकोफेराल जिसे बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं, ठीक। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, इससे हम आगे देखेंगे इस तरह का अगर कुछ प्रश्न आया तो, ठीक है। चलिए, तो प्रजनन शक्ति से संबंधित आए तो भैया विटामिन ई है, रतौंधि रोग से संबंधित आए तो ए है, रिकेट्स या सूखा रोग से संबंधित आए तो के, और रक्त का थक्का जमाने के लिए आए तो विटामिन के है। तो एक ही प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न कवर हो रहे हैं। आगे देखें, खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा 90% खलियों में पूछा जाए आपसे शुष्क पदार्थ की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो 90% होती है। खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा हमसे पूछी जाए तो 90% होती है, लेकिन आपसे पूछे कि ओसर को कितना देना चाहिए, एक ओसर बछिया को शुष्क पदार्थ कितना देते, तो 1.5 से 2 किलो, और शुष्क गाय को कितना देते, शुष्क गाय या सूखी गाय जिससे दूध लेना बंद कर दिया उसको कितना देते, तो उसको 2 किलोग्राम। लेकिन मुझे एक डेयरी गाय को कितना देते हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो 2 से 2.5 किलोग्राम देते। फिर आपसे पूछे कि भैंस के लिए कितना है, और यहीं पर याद कर लेना संकर गाय के लिए कितना है, तो इनके लिए 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ। ओसर बछिया जो कि 1 वर्ष से कम की है उसके आहार में ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए, तो 1.5 से 2 किलोग्राम होना चाहिए। ओसर बछिया के आहार में ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ 1.5 से 2 किलोग्राम। सूखी गाय जिससे दूध लेना बंद कर दिया है उसके आहार में ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, 2 किलोग्राम। एक गाय है जो कि दूध दे रही है उसके लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, भैंस और संकर गाय के लिए 3 किलोग्राम, और भेड़ के लिए पूछे तो आप बता सकते हो 3 से 4% या किलोग्राम। और बकरी के केस में विशेष याद रखना, क्योंकि बकरी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा से जल्दी से पाचन कर लेती है और खाती रहती है हर समय, इसलिए इसको साधारणतः तो 3 से 5 किलोग्राम डायमीटर दिया जाता है, लेकिन ये जब उत्पादन करे साधारणतः तो 3 से 5, लेकिन जब ये उत्पादन करे तो 5 से 7 किलोग्राम तक ये डायमीटर को डाइजेस्ट कर सकती है। तो सबसे ज्यादा शुष्क पदार्थ जो देता है वो हम गोट को देते हैं, और अधिकतम यह बकरी 11 किलोग्राम या 11% तक ड्राई मीटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। अगर पूछा जाए कि गोट को अधिकतम कितना ड्राई मीटर दिया जा सकता है, तो 11% या केजी में पूछे तो किलोग्राम, ठीक है भैया। तो गोट के केस में 2 कंडीशन है, साधारण 3 to 5 केजी, और उत्पादन कर रही तो 5 से 7 किलोग्राम। ओसर बछिया 1.5 से 2 किलोग्राम, शुष्क गाय जो दूध नहीं दे रही है उसको 2 किलोग्राम, और जो गाय दूध दे रही है उसको 2 से 2.5। एक बार MPPAT में प्रश्न आ गया था ड्राई मैटर इनटेक इन परसेंट, तो इसको 2.5% बोल दिया, बस कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं भैया। फिर भैंस और संकर गाय के लिए पूछा जाए तो हम बता सकते हैं इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 केजी हो जाएगा, और भेड़ के लिए 3 से 4, और बकरी के केस में 3 से 5 है, और जब उत्पादन करे तो 5 से 7 है। अब यहाँ पर पूछा गया खलियों में शुष्क पदार्थ, तो हे में भी 80 से 85 होता है, ठीक है, साइलेज में 30 से 40 होता है, मक्के में 30 से 40। इस तरह से पूछा जाए तो याद रखना जो खलिया होती है ऑयल केक्स होते हैं, इन केक्स में होता है 90% शुष्क पदार्थ होता है। आई होप यहाँ पर हमने 10-12 प्रश्न इस स्लाइड पर एक्स्ट्रा देख लिया। चलिए, भैंस के दूध से औसत खोआ प्राप्त होता है आप सभी को पता 25%, और गाय से लगभग 20-20%, यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा भैया 25%। अब प्रश्न आता है कि खोआ है, ठीक है, खोआ या जिसे खोआ या मावा भी हम कहते हैं, तो मावा है, कैसा दूध उत्पादक, किण्वित है ना, फर्मेंटेशन से इसको बनाया गया, संघनित करके बनाया गया, ठंडा करके बनाया गया, हिमीकृत बनाया गया। तो याद रखना खोआ या मावा जो होता है एक संघनित दुग्ध उत्पाद है, संघनित दुग्ध उत्पाद है, यह प्रश्न आपको याद रखना है, इट इज ए कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट, संघनित दुग्ध उत्पाद है, समझ के बात को। और गाय से कितना खोआ मिलता है,
तो 20 से 22% गाय के दूध से। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर हमने 25 किलो खोआ प्राप्त करना है तो 100 लीटर दूध लगेगा, समझ गए बात को, 100 लीटर से कितना बन जाएगा 2500 या 100 ग्राम से 25 मिलीग्राम खोआ प्राप्त होगा। तो परसेंट के बारे में बात की गई थी भैया, तो आपको याद रखना है महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर। चलिए, दूध का रंग किसके कारण सफेद होता है, बहुत अच्छा प्रश्न। अगर हम पूछे कि पीला किससे होता है तो हम बता देंगे कैरोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। लेकिन केसिन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, केसिन, क्योंकि केसिन में अल्फा ग्लूकोकेसिनेट पाए जाते हैं जिनका प्रकाश प्रकीर्णन होता है और उस प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दूध क्या दिखाई देता है, सफेद, जो कि केसिन का एक अपर रूप होता है। और किसके दूध का रंग ज्यादा सफेद होता है तो हम बता देंगे भैंसों के दूध का रंग ज्यादा सफेद होता है, किसकी तुलना में, गाय के दूध की तुलना में। इसका अर्थ यह हुआ कि गाय के दूध में कैरोटीन ज्यादा होता है, भैंस के दूध में कैरोटीन कम होता है। फिर किसका दूध सफेद होता है, तो भैंस का। इसका अर्थ ये हुआ कि भैंस के दूध में केसिन का परसेंट ज्यादा होता है, गाय के दूध में कम होता है, ठीक है। और केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है और क्रिएटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। और क्रिएटिन की अगर हम बात करें, कैरोटीन की हम बात करें, क्रिएटिन प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो ये बाह्य शरीर रचना में सींग, खुर और बाल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है भैया। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई इसमें। चलिए, मुर्गी के एक अंडा बनने में कितना समय लगता है, तो 22 से 24 घंटे लगते हैं। पनीर में जो प्रोटीन होता है वो भी 20 से 22। ये दोनों प्रश्न कैसे याद, चलिए इसको भी एक ट्रिक से याद रखते हैं। पनीर में प्रोटीन 20 से 22, पनीर में प्रोटीन 20 से 22% टीपी याद रखना। और अंडा बनाने में कितना समय लग रहा है, एग के फॉर्मेशन में कितने समय लगता है, कितने घंटे लगते हैं, तो बस 22 से 24 याद रखना। तो दोनों चीजें एक साथ याद होंगी, 20 से 22, 22 से 24। पनीर में प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, पनीर में प्रोटीन कितना लगेगा या कितना होता है, तो 20 से 22। पनीर में प्रोटीन का परसेंट पीपी 20 से 22, और एक बनने में कितने घंटे लगते हैं, तो 22 से 24। यहीं से इसको याद रख लेना, 20 से 22, 22 से 24। तो दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्र कार्बनिक खाद में अधिकतम फास्फोरस, तो मछली का चूरा है, फीस मिल है। भारत में भेड़ पालन, इसके बारे में हमने बात की थी कि भारत में मुख्य रूप से भेड़ पालन किस राज्य में हो जाता है, तो राजस्थान। और राजस्थान में भेड़ों के ऊपर काफी रिसर्च किया जाता है, ठीक है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, इस तरह से जो भी रिसर्च स्टेशन है गाय के, भैंस के, भेड़ के और बकरी के, जैसे बकरी का कहां है, फार्म अब्दुल मथुरा में, भैंस का हिसार हरियाणा में है ना, तो इस तरह से भेड़ का अंबिकानगर राजस्थान में, ऊंट का राजस्थान में, तो ये जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है यहाँ से हर वर्ष 3 से 4 प्रश्न पक्का आते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों को कंफर्म करने के लिए एक बार जरूर रीड कर लेना बेटा, जितने भी इंस्टीट्यूशन है आईसीएआर के उनको आप एक बार जरूर रीड कर लेना, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली। सिरे में कार्बोहाइड्रेट 15% होता है, खलियों में शुष्क पदार्थ 90%। भारत में कौन सी भैंस सर्वाधिक दूध देती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, सॉरी, भारत में कौन सी भैंस सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन करती है वो जाफराबादी करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर ही चुके बेटा। तो जाफराबादी एवरेज इसका जो लैक्टेशन का मिल्क होता है 23-36 होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जाफराबादी का आंसर किया जाता है। वैसे बहुत सारे लोग मुर्रा को भी लिखती है, लेकिन जब दोनों आ जाए तो जाफराबादी को हमें टिक करना भैया, ज्यादा से जाफराबादी होगा। निम्नलिखित जानवरों में ग्रीष्म प्रतिरोधी, मतलब ऐसा जानवर जो कि सूखे को सहन कर सकता है, दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, एक तो राजस्थान का हो, तो सर दोनों राजस्थान के ऊंट भी और भेड़ भी, लेकिन आप देखिए कि ज्यादा लंबे समय तक बिना पानी पिए कौन रह सकता है, कौन रह सकता है, केमल। और यहीं से तो एक क्रॉप का क्वेश्चन भी बनता है ना, केमल क्रॉप सोरगम को कहते हैं, क्योंकि वह भी सूखे के प्रति आराम से रह सकती है, सूखे को झेल सकती है, उसी प्रकार से यह भी ग्रीष्म प्रतिरोधी मतलब पानी की कमी को झेल जाता है, तो ज्यादा कौन झेलेगा, केमल या ऊंट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं भैया कि ज्यादा समय तक कौन झेल सकता है। चलिए फिर आगे भैया, विटामिन डी इससे होता है सूखा रोग, या जिसे हम कहते हैं रिकेट्स, ठीक है भैया, कहां गया। अब यहां से दो चीजें बनती है, विटामिन डी से दो चीजें, सूखा रोग या रिकेट्स
सूखा रोग, किन में होगा? बच्चों में रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है? अस्टि मलेशिया, अस्टि मलेशिया, अस्टि मलेशिया किन में होता है? तो अस्टि मलेशिया, ठीक है, अस्टि मलेशिया किन में होगा? बड़ों में। कैसे याद रखना? बड़े लोग मलेशिया जाएंगे और बच्चे रिकेट से खेलेंगे, ठीक है, बच्चे क्या खेलेंगे? रिकेट, अरे रिकेट होते ना, तो रिकेट से कौन खेलेंगे? बच्चे खेलेंगे, इसे याद रखना। बड़े लोग कहाँ जाएंगे? मलेशिया। तो वयस्कों में, बड़ों में ऑस्ट्रो मलेशिया होता है, और बच्चों में सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की। इसमें क्या हो जाता है सर? तो इसमें बेटा जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसमें इस तरह से हल्के छिद्र हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं भंगुरता, जिसे क्या बोला जाता है? भंगुरता बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? भंगुरता बोलते हैं, ठीक है। हड्डियां मतलब टूटने लगती है, ठीक, छिद्रित हो जाती, पोरस हो जाती। चलिए बाकी तो हम सारे विटामिन्स की बात कर ही चुके, बेरी बेरी, ठीक। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गाय के दूध में भैया पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, ठीक है। तो गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लैक्टोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कम बता देंगे, लैक्टोज के रूप में होता है। गाय के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में पाया जाए? तो हम बताएंगे लैक्टोज, और लैक्टोज डाइसेकेराइड, ये कैसा भैया? तो यह डाइसेकेराइड होता है, जिसकी दो मोनोसेकेराइड इकाई कौन है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड मिलकर किसको बनाती है? डाइसेकेराइड, जिसका नाम है लैक्टोज। और इसी को क्या कहा जाता है? लैक्टोज को याद रखना, दुग्धम भी कहा जाता है। लैक्टोज को किस नाम से जाना जाता है? तो लैक्टोज को दुग्धम के नाम से भी जाना जाता है। दूध की शर्करा पूछे, घुमा फिरा के पूछता है दूध की शर्करा है, तो दूध की शर्करा है वह भी कौन है? लैक्टोज है। या दूध का जो हल्का मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज मोनोसेकेराइड की डाइसेकेराइड, तो बता देंगे डाइसेकेराइड। फिर मोनोसेकेराइड कौन है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दुग्धम भी याद रखना। फिर बहुत सरल सा प्रश्न, रेटिना हमें बताइए, विटामिन ए को कहते हैं, टोकोफिरॉल हो गया, थायमिन हो गया, और विटामिन सी, इस तरह से हमें याद रखना भैया। चलिए रानीखेत हम चर्चा कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गाय के दूध का पीला रंग, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। मिल्क शेयर कंज्यूम्ड फॉर होल मिल्क पर्पस, कितना दूध का उपयोग होल मतलब बिना बाय प्रोडक्ट बनाए खाने के रूप में हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा भैया 2/3, मतलब 100 × 2/3 कर दो तो हो जाएगा 203, मतलब 66% के आसपास जो मिल्क भारत में प्रोड्यूस होता है उसको वैसे के वैसे कंज्यूम कर लिया जाता है, उससे कोई बाय प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता। अब यहां से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए, है ना, चलो इसको थोड़ा सा अपन यूटिलाइज कर लेते हैं जगह का, है ना, ताकि आपको और एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाए। चलिए अगर पूछे कि सर्वाधिक पशु भारत में किस राज्य में, सर्वाधिक पशु भारत में किस राज्य में, ये प्रश्न आ जाए, सर्वाधिक पशु भारत में किस राज्य में, तो हमें इसका क्रम याद रखना। सबसे ज्यादा पशु उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, और तीसरे पर एमपी। सर कितना है? तो उसका हम ये भी देख लेंगे भैया, डाटा भी कहाँ पर कितने हैं, है ना। चलिए तो अब हम एमपी की बात करें, तो यूपी में कितने हैं? तो 67 मिलियन, राजस्थान में 56 मिलियन, और एमपी में 40 मिलियन। ये डाटा किस में बेटा? मिलियन में, याद रहे ये जो डाटा मैंने लिखा है मिलियन में। सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या या कुल पशुधन किस राज्य में सबसे ज्यादा? तो यूपी में कितना मिलियन? 67 मिलियन, राजस्थान में 56 मिलियन, और मध्य प्रदेश में 40 मिलियन। तो ये तीन राज्यों का क्रम याद रखना। संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य तो हम बता देंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद किसका स्थान है? तो राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मध्य प्रदेश का तीसरा, ठीक है। ये संख्या सब किसमें? मिलियन में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में
भारत में पशुओं की कुल संख्या है तो आपको बता देना है 5-3 मिलियन। और इसमें से अगर आपसे पूछा जाए अलग अलग पशुओं का तो वो भी हमें बताना है बेटा। अगर गाय का पूछे तो भारत में सबसे ज्यादा है 192 मिलियन, ये वर्तमान डाटा है। भैंस का पूछे तो 109 मिलियन है। इसी तरह से अगर आपसे इस डाटा के बारे में अगर पूछ लिया जाए भैया कि भेड़ और बकरी में बता दीजिए, तो बकरी में भैया बकरी का अगर डाटा पूछे हमसे तो 148 मिलियन है। और भेड़ की संख्या कम है और भेड़ की जो संख्या है वह है 74 मिलियन। और इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे तो लगभग 535 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी पशु जैसे मिथुन है, गयाल है, घोड़े, गधे, ये सब डंकी, हॉर्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पर हमारे काम के जो चार प्रमुख है मैंने उनका डाटा लिखा है। जब सबको जोड़ देंगे तो भारत में कुल पशुधन आ जाएगा 535 मिलियन। आई होप कि मैंने आपको सारे डाटा बता दिए भैया कि कुल कितने पशु है, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, देख लीजिए फटाफट, ठीक है। एक नया प्रश्न था और इसमें से कम 10 प्रश्न बन सकते हैं। इसको घुमा फिरा के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कुल पशुधन पक्का आ सकता है, इसका चांस है 100% पूछे जाने वाला प्रश्न में से ही कि भारत में वर्तमान में कुल पशुधन। और अगर 2012 के अनुसार पूछ ले कि 2012 में जो गणना हुई थी 19वीं जनगणना जो कि 2012 में हुई थी, और ये जो डाटा बेटा ये 20वीं जनगणना का जो कि कब हुई 2019 में, याद रहे ठीक है। 2012 में पूछे तो कुल पशुधन है 512 मिलियन, याद रखा। और पूछे कि 20वीं पशु गणना में सबसे ज्यादा वृद्धि किस पशु की संख्या में, तो बता देना मिथुन चक्रवर्ती, मतलब मिथुन या जिसे हम कयाल कहते हैं, इसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार जनसंख्या के संदर्भ में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको इनको याद रखना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, भारत में कुल पशुधन पूछे तो 535 मिलियन है वर्तमान में, लेकिन 12वीं पशु गणना के हिसाब से पूछे तो 512 मिलियन है, ठीक है, सॉरी 2012 के हिसाब से पूछे तो 512 है, लेकिन वर्तमान में पूछे तो 535 मिलियन है। फिर सर्वाधिक पशु भारत के किस राज्य में, तो आप यूपी, राजस्थान और एमपी बता सकते हैं। कितना कितना है, 67 मिलियन, 56 मिलियन और 40 मिलियन, ठीक, यह तीन क्रम हो गया। फिर भारत में सबसे ज्यादा पशु कौन से, तो गोवंश 192 मिलियन, उसके बाद बकरी वंश 148 मिलियन, फिर भैंसे 109 मिलियन और भेड़े 74 मिलियन। भेड़े और बकरियां सबसे ज्यादा कहाँ है, तो भेड़ बकरी सबसे ज्यादा भैया राजस्थान में, और गायें सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, याद रखना, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा सेशन जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें चर्चा कर ली। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको MGCI के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से आने वाले एग्जामों में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।